नाउ ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर का कौन सा पार्ट है, सेक्शन बी, राइट। तो सेक्शन बी का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट की टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग हमने आपको पढ़ाई थी कि सर्किट स्विचिंग में क्या कितने स्टेप में होती है सर्किट स्विचिंग, 13 स्टेप में। कौन कौन? सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन, सेकंड होता है ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा, थर्ड होता है कनेक्शन ऑफ। ठीक है, और अब उसमें क्या होता है, डायनामिक पाथ बनता है। तो एडवांटेजेस की क्या होती है, एडवांटेजेस कोई बताएगा? मैं बताऊं तो लिंक पाथ प्रोवाइड करता है, और सेकंड इसका एडवांटेज ये है कि ये क्या कहते हैं, आप जो डेटा भेज रहे हो तो पहले पाथ बन गया, उसी से डेटा जाएगा, कोई बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। अगला ड्रॉबैक इसका, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक कॉस्टली होता है ना, इतना बड़ा नेटवर्क बनाना सबके बस की बात नहीं है, इतना बड़ा अरेंजमेंट करना सबके बस की बात नहीं है। और क्या बात है, और क्या ड्रॉबैक इसका है कि ये अपनी पूरी कैपेसिटी में वर्क नहीं कर सकता। अंडर कैपेसिटी में काम करता है क्योंकि आप केवल दो ही लोगों को आपस में कनेक्ट कर पा रहे हो, जबकि उस चैनल की कैपेसिटी दो से ज्यादा लोगों को एक ही टाइम पे कनेक्ट कर सकने की है, पर कराती नहीं। सो इट वर्क्स इन अंडर कैपेसिटी लेवल। ठीक है, तो ये इसके दो डिसएडवांटेज है, दो एडवांटेज। और कहां काम करता है कोई पूछ लेगा तो, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क्स में ये सर्किट स्विचिंग काम करती है। अब आता है वेब सर्वर और वेब ब्राउजर, क्या होता है डिफरेंशिएट बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर। देखो वेब सर्वर और वेब ब्राउजर जो है ना, बेसिकली वेब सर्वर वो सर्वर होता है, नहीं वो स्पेशल कंप्यूटर होता है, पावरफुल कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, तो वेब क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, उसे रिस्पॉन्स देता है पॉजिटिव या नेगेटिव। वेब ब्राउजर एक वेब क्लाइंट होता है, वेब क्लाइंट यानी क्लाइंट सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जो रिक्वेस्ट करता है, जो रिक्वेस्ट जनरेट करता है और भेजता है वेब सर्वर को। ठीक है, और फिर वेब सर्वर पर वही रिस्पॉन्स देता है या एक्सेप्ट करता है, रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं वेब ब्राउजर के नाम बताओ, वेब ब्राउजर के नाम गूगल क्रोम, मोजिला, टॉर, ब्रेव, इस तरह से बहुत सारे ब्राउजर्स हैं, है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फोर, ये सब ब्राउजर्स हैं। वेब सर्वर के नाम पूछ रहे था, मान लो या तो पेपर में वेब ब्राउजर लगा दिया, वो कहता है वेब सर्वर के दो नाम लिखो। भैया वेब सर्वर के नाम जो है ना तुम्हारी बुक में हो या ना हो तुम्हें बता दे रहे हैं, IIS विंडोज में चलता है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। ये विंडोज में जो जब भी इंटर अभी चलाते हैं ना, ये सब करते हैं, वेब पेज चलाओगे तो वेब पेज चलता नहीं, चलता HTML का, तो कहाँ कौन सर्वर है जो इसको HTML के कोड को वेब पेज में बदल रहा है, पीछे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर चल रहा है पीछे। ठीक है, हाँ, तो ये लिख लेना कहीं पर क्योंकि ये तुम्हारे भी नोट्स में आगे आएगा बहुत। ठीक है, और दूसरा अगर लिनक्स, ये विंडोज में काम करता है, ये विंडोज में काम करता है, और लिनक्स में या लिनक्स में होता है अपाचे, APACHE, अपाचे ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं है, खुद ही अपने आप एक वेब सर्वर, याद रखना। और भी बहुत सारे होते हैं, एनजिंग्स है,